मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस, क्योंकि उसमें काम उसका क्या है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाना, और वो किस तरीके से बनाता है उसका जो ऑपरेशन है वो मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल फोर्स वगैरह के यूज करके वो काम करता है, उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं। ये क्या करता है, करंट को मेक करता है, कैरी करता है और ब्रेक करता है अंडर नॉर्मल कंडीशन और ओवरलोड कंडीशन। कॉन्टैक्टर जो है नॉर्मली करंट को मेक करता है, मेक मतलब जब आपका कॉन्टैक्टर स्विचिंग होता है तो उस टाइम पे करंट को मेक भी करता है, ब्रेक भी करता है और नॉर्मल कंडीशन में रन भी करता है। सो दैट क्या है कि इसका जो कॉन्टैक्ट है उसका डिजाइन इस तरीके से किया जाता है जो कि स्टार्टिंग करंट भी बियर करे, और स्टार्टिंग करंट और जब कोई भी चीज ऑन होती है या ऑफ होती है उस टाइम पे आर्किंग बहुत ज्यादा होती है, उस आर्क को भी ये डिसिपेट कर दे, उससे कॉन्टैक्टर को डैमेज ना हो। और इसको जो लगाया जाता है वो नियरेस्ट लोड जहां पे होता है हमारा उसके नियरेस्ट ही लगाया जाएगा, ठीक है, वो सबसे हाई होती है, और वैक्यूम कॉन्टैक्टर की तो होती ही सबसे हाई है, 630 एम्पियर है लास्ट है। हाँ ठीक है, ये 630 एम्पियर तक का, ठीक है, और ये 820, हाँ ये 820 एम्पियर का, ठीक है। और एक और सीरीज आती है 3TF68 में, वो स्पेशल होता है वो, और 540 एम्पियर का होता है, तीन तरह के कॉन्टैक्टर आते हैं, ठीक है। सिस्टम इसके अंदर क्या क्या रहता है कॉन्टैक्टर के अंदर, बेसिकली कॉन्टैक्ट सिस्टम हो गया एक, तो कॉन्टैक्ट सिस्टम में क्या रहेगा, मूविंग कॉन्टैक्ट होगा और फिक्स कॉन्टैक्ट होगा। मूविंग कॉन्टैक्ट कितने रहेंगे, मूविंग कॉन्टैक्ट रहेंगे हमारे 3 और फिक्स कॉन्टैक्ट रहते हैं 6। फिक्स कॉन्टैक्ट बेसिकली ये रहता है, इधर ये फिक्स होंगे, उधर से फिक्स होंगे, बीच में जो रहता है वो मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है, तो मूविंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद में आर्क चैम्बर आता है, वो आर्किंग को डिसिपेट करने के लिए, और कॉइल सिस्टम होता है और हाउसिंग होती है। हाउसिंग तो आपकी ये बॉडी हो गई, और कॉइल सिस्टम जो हो गया आपका कोर हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ये SLRD का HOG कॉन्टैक्टर है, तो ये कैसे वर्क करता है या क्या इसमें लगा होता है। तो ये जो कॉन्टैक्टर होता है ये वैक्यूम कॉन्टैक्ट होता है, ये वैक्यूम कॉन्टैक्टर होता है, क्योंकि अगर नॉर्मल कॉन्टैक्टर यूज करेंगे तो स्पार्क करेगा, ठीक है। तो बात आए करेंगे तो देखो इस तरह ढक्कन इसको खोल लेंगे, और इसकी कॉइल ज़्यादा करके इसकी कॉइल खराब हो जाती है, PCB खराब हो जाती है। तो ये जो ब्लैक दिख रहा है ये PCB है, और जो व्हाइट दिख रहा है बीच में ये कॉइल है। तो अब कॉइल को बदलना हो तो पहले क्या करेंगे, हम PCB को डिस्कनेक्ट करेंगे। जब PCB कॉइल से डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आराम से ये कॉइल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से कॉइल निकालने की प्रक्रिया आपको दिखाते हैं, और PCB कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले समझो कि ये वैक्यूम कॉन्टैक्टर है, ठीक है। वैक्यूम कॉन्टैक्टर वहाँ यूज होता है जहाँ बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी का एम्पियर लोड लेता है। अगर वहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्टर लगेगा तो इस पार्क इतना ज़्यादा होगा कि वो कॉन्टैक्टर चल ही नहीं पाएगा, जल जाएगा। तो इसमें वैक्यूम कॉन्टैक्ट में क्या खास होता है, तो वो लास्ट में देखेंगे कि खास क्या होता है, किस तरह से स्पार्क नहीं होता, इतना लोड होने के बाद भी स्पार्क नहीं होता है। तो इस तरह से जो साइड में दो पेंच लगे हैं इनको खोल लेंगे, यहाँ से RC फिल्टर लगा हुआ है, छोटा सा RC फिल्टर जैसा ही लगा हुआ है, उसको खोल लेंगे और इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे। जब यहाँ से डिस्कनेक्ट करके दोनों निकाल लोगे आप RC फिल्टर वाला एरिया, तो RC फिल्टर फ्री हो जाएगा। फिर अब PCB के पास दो पेंच खोलना है और कॉइल आपकी कनेक्शन एकदम फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से देखो हम यहाँ से RC फिल्टर को ओपन कर रहे हैं। तो आज आपको इस पूरी कॉन्टैक्टर का पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, अभी हमने यहाँ से RC खोल के बाहर कर लिया है। अब यहाँ से PCB को हम, ये लॉक जो लगा हुआ है वायर का, वो लॉक हटा के और PCB को भी ओपन कर लेंगे। PCB के पास दो पेच लगा हुआ है, कॉइल जुड़ा हुआ है जिसमें, तो एक तार बड़ा है कॉइल का, एक तार छोटा है, तो वैसे भी दिख जाएगा कि कौन सा किस में लगना है। लेकिन अगर उल्टा भी लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे उल्टा लगेगा नहीं क्योंकि एक तार छोटा दिया हुआ है, एक बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। ये PCB है, PCB को देखो इस तरह से हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि PCB आराम से ओपन कर लोगे तो आराम से ये कॉइल, बस कॉइल को पुश करके निकालना ही रहेगा। तो इस तरह से देखो ये PCB के पास दो पेंच दिया हुआ है, ये हमने कॉइल का एक वायर निकाल दिया और PCB का भी एक वायर निकाल दिया, ओपन हो गया। अब दूसरी वायर हमने कॉइल का एक निकाल दिया और PCB का भी वायर ओपन हो गया,
तो इस तरह से पीसीबी के दो वायर यहाँ से ओपन हो गए और दो वायर हमने आरसी फिल्टर से निकाल दिया था, तो पीसीबी का टोटल जो चार वायर है वो चारों वायर ओपन हो गए हैं, क्योंकि सबसे पहले हम सप्लाई पीसीबी को देते हैं। तो पीसीबी का ये सर्किट पूरा ओपन हो गया है। अब यहाँ से ओपन होने के बाद क्या, अगर पीसीबी बदलना हो आपको तो पीसीबी क्या लॉक में रहता है, तो पीसीबी को लॉक हटाओगे तो खुल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कॉइल को बदलने में कभी वायर की कभी समस्या आए तो कोई भी वायर लगा सकते हो, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। वैसे भी लगेगा तो सेम वही वायर जो वहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि उसे साइज बना हुआ है। तो अब देखो, हम पीसीबी को खोलने के लिए तो पीसीबी के साइड में क्या दो लॉक लगा हुआ है, तो दोनों लॉक को जैसे ढीला कर दोगे तो ये पीसीबी आपकी बाहर आ जाएगी प्लेट के साथ। देखो इस तरह से यहाँ पे जो लॉक है ना, इस लॉक को पेचकस से पकड़ के हल्का सा जैसे ही ओपन करोगे तो ये लॉक ओपन हो जाएगा, तो इस साइड से पीसीबी ओपन हो जाएगा। जैसे देखो इधर से ओपन हो गया है, अब दूसरे साइड से भी लॉक ओपन करेंगे तो ये पीसीबी हमारी पूरी बाहर आ जाएगी। देखो ये पीसीबी हमारी बाहर आ गई है। अब पीसीबी में देखना क्या है, तो पीसीबी में देखना है कोई पीसीबी स्पार्क तो नहीं है, कोई जला तो नहीं है, या कोई जलने का निशान तो नहीं है पीसीबी में। अगर ऐसा कुछ पीसीबी में समझ में आ रहा है तो समझो कि पीसीबी आपकी ख़राब है। तो ज़्यादातर कॉइल अगर जलती है तो उससे पहले पीसीबी ख़राब हो जाती है, तो मैनुअली वो मुआयना ज़रूर कर लेना है कि पीसीबी की स्थिति आपकी डैमेज तो नहीं है। क्या पीसीबी मल्टीमीटर से नहीं चेक हो पाएगी फील्ड में, तो फील्ड में इसकी फिजिकल कंडीशन देख के ही हम कर सकते हैं कि इसमें क्या समस्या है या नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई समस्या है पीसीबी में तो पीसीबी को आप रिप्लेस कर दो, तो ये समस्या आपकी सही हो जाएगी। पीसीबी के साथ कॉइल को भी देख लेना है, तो कॉइल जो नॉर्मली है ना, कॉइल जो नॉर्मली है वो दिख जाएगा आपको ऊपर से ही मुआयना करने में, कोई जला है या स्पार्क है या काला हो तो नहीं हो गया है। अगर इस टाइप का कुछ भी हुआ है तो आपको कॉइल रिप्लेस करना है। तो कॉइल रिप्लेस करने के लिए कोई इसमें बड़ा तीर नहीं मारना है, कॉन्ट्रेक्टर जैसे लगा हुआ है वैसे लगे लगे कॉन्ट्रेक्टर को आप आराम से ही रिप्लेस कर सकते हो। कॉन्ट्रेक्टर खोल के पैनल से बाहर निकालने का आवश्यकता नहीं है, कॉन्ट्रेक्टर को ऊपर के कवर खोल लो तो खोलने के बाद ऐसा दिखाई देगा। अब सीधा यहाँ से कॉइल को निकालना है, तब इसके लिए क्या करना है, कोई हमें पेचकश लो या कुछ ऐसा चिमटे टाइप में औजार बना लो, ठीक है, तो आराम से पीसीबी आपकी ओपन हो जाएगी। कॉइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए हम एक पेचकश का लेंगे और एक पेचकश और लेंगे, दो पेचकश लेंगे और दोनों साइड से जो दो होल दिख रहे हैं ना कॉइल के पीछे, इन दोनों किसी होल में लगा लेंगे। अगर कुछ हम ऐसे चिमटा जैसे बना लें कि दोनों में लगा के ऊपर कर ओपन कर दें तो आराम से आ जाएगा। दोनों साइड से हम हल्का हल्का पेचकश लगा के और बॉडी पे रख के जोर लगाएंगे तो ये कॉइल हमारी धीरे धीरे ऊपर पुश होने लग जाएगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पेचकश प्रॉपर लगे, ऐसा ना हो कि टूट जाए, क्योंकि बहुत ही जाम नहीं होता, बहुत आराम से इसको पुश करोगे तो पेचकश से ये निकल जाता है। लेकिन पेचकश बराबर यहाँ पे सपोर्ट हो, बराबर फोर्स लगे, एक बराबर जैसा फोर्स लगाओगे दोनों साइड से, ऐसे नहीं देखो अभी यहाँ ऐसे इस साइड से देखो बराबर फोर्स लगाओगे तो ये आराम से कॉइल देखो बाहर आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से देखो ये कॉइल पूरी बाहर आ गई हमारी। अब इसमें क्या है, कॉइल ख़राब हुआ है, तो कॉइल ख़राब हुआ सेम ऐसे कॉइल आपको लेना है। मान लो एक कॉइल ख़राब है, मान लो एक जैसे एग्जांपल कर लो कि कॉइल ख़राब है, तो एक ऐसा ही कॉइल दूसरा लेना है और सेम जैसे हमने लगाया निकाला था वैसे ही सेम हमको इसमें वापस से लगा देना है। ये आराम से बैठ जाता है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करना होता है, और ऊपर साइज भी दिया हुआ किस साइड से लगाना है, तो सेम जैसे आप खोलोगे वैसे ही आपको इसमें इंस्टॉल कर देना है, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, कॉइल पे नंबर होता है, जब भी आप कॉइल बदलोगे तो सेम कॉइल की मैचिंग कर लो कि जो कॉइल पे नंबर है वो सेम है कि नहीं। जैसे ये देखो 693 है ना, तो इस तरह से आपको कॉइल का नंबर मेजर कर लेना है। कई बार क्या है कि मल्टी कॉइल भी आती है, एसी डीसी कॉइल भी आती है, तो कौन सी कॉइल है वो आपको एक बार कन्फर्म कर लेना चाहिए। अब हमारी मान लो कन्फर्म हो गया कि हमने कॉइल बदल दिया, अब इसको वापस से हमें इंस्टॉल करके
और लगा देना। तो ये हो गई कॉइल बदलने की प्रक्रिया। पीसीबी बदलने की प्रक्रिया आपने देख ही लिया कि पीसीबी कैसे बदलते हैं। तो इस वापस से इस देखो कॉइल को वापस से इस पे रखेंगे आराम से। मान लो हमने कॉइल रख दिया है, अब ये कॉइल हमारी लग गई है। वापस से जैसे कनेक्शन हमने खोला था सेम वैसे ही कनेक्शन इसमें कर देना है। वापस से अगर फिर निकालना है तो देखो आराम से पेचकस लगाओगे बहुत आराम से ये निकल जाता है कॉइल। तो कॉइल निकालना और बदलना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि नहीं बदल सकते हो, इसको आराम से कोई भी बदल सकता है। थोड़ा सा इसमें सावधानी रखना है कि कुछ डैमेज ना हो, बस ऊपर कवर खोलना और कुछ भी नहीं खोलना, बस कवर खोलोगे तो कॉइल आपकी निकल जाएगी। और पीसीबी का आपने देख ही लिया, पीसीबी में दो लॉक है, वहाँ से लॉक खोलोगे तो पीसीबी ओपन हो जाएगा और निकल जाएगा। पीसीबी ये कवर के साथ ही आता है। पीसीबी में बस ये देख लेना है कि फिजिकली पीसीबी कहीं से डैमेज ना हो, जो इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है पीसीबी, ये कहीं से डैमेज ना हो। अगर डैमेज होगा तो काम नहीं करेगा। और कॉइल को चेक करना है तो कॉइल की इससे कंड्यूटी चेक कर लो। और आरसी फिल्टर ये है, इसको भी अगर कोई ख़राब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हटा भी सकते हो, लेकिन लगा दोगे तो सही रहेगा। अब अगर मान लो इसके नीचे की पॉइंट को काम करना है, जो वैक्यूम कॉन्टैक्ट जो हमने बोला उसको खोलने के लिए साइड से चारों नट खोल दोगे। और साइड में देखो यहाँ पे दो पेंच लगे हुए हैं, इन दोनों पेचों को दोनों साइड से खोलना होगा तो ये नीचे का वैक्यूम कॉन्टैक्ट आपको दिखेगा। तो हमने चारों बोल्ट खोल दिए और दो दो साइड से खोले। अब ये देखो जो सिलेंडर जैसा दिख रहा है ये इसकी वैक्यूम कॉन्टैक्ट है। जब थ्री फेस को ये ऑन करता है पोजिशन में तो ये वैक्यूम कॉन्टैक्ट इतना अच्छा से क्रिएट करता है इसके अंदर बना हुआ है कि ये शॉर्ट्स मतलब स्पार्क नहीं होता। नहीं तो इतना अगर मान लो 400 वोल्ट आएगा, 400 एम्पियर आएगा और जाएगा तो बहुत तेज़ी से स्पार्क होगा। लेकिन इसके अंदर टेक्नोलॉजी है कि जिससे स्पार्क नहीं हो पाता है। अब क्या होता है कि मान लो कभी किसी आपका एक वैक्यूम कॉन्टैक्ट ख़राब हो गया, कॉन्टैक्टर तो कॉइल सही काम कर रही है, सब कुछ कर रहा है, पिकअप कर रहा है, लेकिन सिंगल फेसिंग हो रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप कि ये वैक्यूम कॉन्टैक्ट है जो वैक्यूम सिलेंडर जिसको बोलते हैं, ये आप रिप्लेस कर सकते हो। या तो आप नया ख़रीद लो जिस कंपनी का उस कंपनी से, या उसी कंपनी का कोई दूसरा कॉन्टैक्टर हो जो कॉइल ख़राब हो या कुछ और ख़राब हो तो उनमें से ये यूज कर सकते हो। उसकी वैक्यूम सिलेंडर निकाल के उसका इसमें लगा के यूज कर सकते हो। तो इसको खोलना भी आसान है और बदलना भी बहुत आसान है। तो इसको साइड से स्क्रू, जब एलंकी नट लगाओगे बोल्ट तो आराम से इसको दो दो खोल लो साइड से, दोनों साइड से, और पेचकस लगा के हल्का से इसको पुश करोगे तो देखो ये जो वैक्यूम सिलेंडर है, ये हमारा वैक्यूम सिलेंडर बाहर निकल गया। अब अगर देखो वैक्यूम सिलेंडर ख़राब होगा, जैसे ही हमने खींच के बाहर कर रहे हैं ना, देखो अभी खींच रहे हैं, इस तरह से बाहर रह जाएगा, ये अंदर नहीं होगा तो ये कॉन्टैक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बाहर हो जाएगा। तो आपको चेक कर लेना है कि वैक्यूम कॉन्टैक्ट कौन सा, या मल्टीमीटर से भी आपको चेक हो जाएगा कि कौन सा ख़राब है। तो उस पोजिशन में आप रिप्लेस इसको कर सकते हो। ये थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्टर हैं तो किसी में से किसी में ये इंटरचेंज कर सकते हो। तो इस तरह से ये वैक्यूम सिलेंडर बदल सकते हैं। बदलना बहुत ही आसान है, इसको बदलने में कोई आपको दौड़ भाग नहीं करना है, आराम से बदल सकते हो। तो इस तरह से देखो ये इसके पॉइंट काम करते हैं। ये होता है वैक्यूम कॉन्टैक्ट, यही मेल सप्लाई को ऑन और ऑफ करता है। क्योंकि ये मेल्ट होता है सप्लाई आगे पिकअप होता है, सप्लाई आगे पास होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो समझ लिया आप लोगों ने कि वैक्यूम कॉन्टैक्ट में क्या खास होता है। तो वैक्यूम कॉन्टैक्ट में ये सिलेंडर ही खास होता है, क्योंकि सप्लाई को मेक कराना या मेक नहीं कराना है ये सिलेंडर पर निर्भर करता है। तो ये सिलेंडर हमारा देखो हमने इसमें अब वापस से लगा दिया है, ये सिलेंडर वापस से अपना लगा दिया है। और वापस से हम इसके ऊपर जैसा हमारा था वैसे कर देंगे। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट भी हैं, कुछ मैकेनिकल पार्ट भी हैं, ठीक है। इस कॉन्टैक्टर में, वैक्यूम कॉन्टैक्टर में कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट और कुछ मैकेनिकल पार्ट भी इनबिल्ड है। तो ये हमारा वैक्यूम सिलेंडर बहुत काम की चीज़ें हैं और स्पार्क होने से ये बचाता है। अगर कॉन्टैक्ट लगा दें यहाँ पर ना कि ऑन हो तो चिपक जाए, ऑफ हो तो इतनी मेल्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर अच्छी क्वालिटी के लगा हुआ मटेरियल है, इसमें सिल्वर है और भी चीज़ें हैं। अब देखो वापस से हमने कॉन्टैक्ट का ऊपर का भाग इस पर रख देंगे और चार स्क्रू साइड वाले कस देंगे और दो दो स्क्रू साइड से कस देंगे। ये हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये हमारा सेट हो गया।
तो इस तरह से आपने देख लिया कि इसमें कैसे हम कॉइल बदल सकते हैं, कैसे पीएसबी बदल सकते हैं, और कैसे अगर वैक्यूम सिलेंडर खराब हो तो वैक्यूम सिलेंडर बदल सकते हैं। तो इसमें दो ही चीजें हैं, तीन चीजें मेन खास है, कॉइल पिकअप होना चाहिए, पीसीबी खराब नहीं होना चाहिए, पीसीबी खराब होगा तो कॉइल काम नहीं करेगा, और जो नीचे का थ्री फेस पॉइंट है वो पिकअप होना चाहिए, तो उसके लिए वैक्यूम सिलेंडर जिम्मेवार है, और कॉइल अगर पिकअप नहीं हो रहा है तो ये कॉइल खराब है, कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं हो रहा है तो कॉइल अगर बदलना हो, ये कॉइल मार्केट में आती है। हाँ, लेकिन ये क्या कॉन्टेक्टर बहुत कॉस्टली है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है, कॉइल भी बहुत कॉस्टली है। अगर नॉर्मल हम कॉइल की बात करें तो 40-50 हज़ार की कॉइल ही पड़ जाती है। इस तरह से इसको कॉइल को देखो निकाला, देख लो हमने कई बार निकाल निकाल के आपको दिखा दिया, तो ये निकाला और इस वापस से लगा दिया, इस तरह से हमारी कॉइल लग जाती है, वापस से कनेक्शन कर देना है। तो धन्यवाद।